जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी कुछ ऑलमोस्ट स्टार्ट करा दिया है क्लास सिक्स की ज्योग्राफी के बारे में। आई नो यू आर ऑल डूइंग वेल एंड स्टडिंग वेल। सो आज मैं आप लोगों को, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर कट बता दिया था कि सोलर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं एंड सन है। और उसके बाद मैंने आपको प्लैनेट्स और स्टार्स में क्या फ़र्क होता है, प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट नहीं होती, स्टार के पास खुद की लाइट होती है, प्लैनेट के पास दूसरे के और इवन दो गैसेस होते हैं, प्लैनेट्स का खुद का स्फेरिकल शेप होता है, ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया। फिर कौन सा प्लैनेट को अर्थ का ट्विन प्लैनेट कहा जाता है, जिसे बोलते हैं वीनस। फिर जैसे वीनस और यूरेनस एक एक्सेप्शन है, बाकी प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, वीनस जो है ईस्ट टू वेस्ट घूमता है और वो एक तरह से एपिलेप्टिकल अपने पाथ में, मतलब नॉर्थ टू साउथ घूमता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि प्लूटो जो है क्यों ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आ गया था, क्यों, क्योंकि वो नेपट्यून का जैसे ये पाथ था, तो नेपट्यून के पाथ में घुस के बिन बुलाए मेहमान की तरह वो 1979 से लेके 1999 तक अंदर रहा था। और 2006 के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल क्लब का जब उन लोगों का मीटिंग होता है तो उसको ड्वार्फ प्लैनेट में या फिर क्यूपियर प्लैनेट भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्यूपियर बेल्ट के काफ़ी नज़दीक था, क्यूपियर बेल्ट अपने यूनिवर्स का एक तरह से एक एक्सट्रीम पॉइंट था। सो आज मैं आप लोगों के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा इस पार्ट बताया इस चैप्टर का जिसमें आने वाला है अर्थ, अर्थ की सैटेलाइट, अर्थ का सैटेलाइट यानी मून, और एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स के बारे में भी आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत डिटेल में बता दूंगा। अर्थ एक ऐसा यूनिक प्लैनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल है पूरे सोलर सिस्टम में। इस प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्यों, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था 3/4 इसका वाटर का है। सोच कर देखो, दुनिया की आबादी के हिसाब से हम लोग केवल 1/4 हिस्सा ही अर्थ का यूज कर रहे हैं लैंड के रूप में, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज वाटर। तो जिस तरह से ग्लेशियर वगैरह मेल्ट हो रहे हैं, मे बी आगे की सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि अर्थ में रहने की सिचुएशन काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाए और ये 1/4 पार्ट में भी वाटर लेवल बढ़ेगा तो बाढ़, सुनामी और ये सब सिचुएशन ज़्यादा हमें फेस करने के लिए पड़ेगी। सो बेसिक इसमें इतना ज़्यादा ये है कि यूनिक प्लैनेट है, लाइफ सस्टेन करता है ब्लू प्लैनेट। अब मून की बात कर लेते हैं, तो मून जो है अर्थ का सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट क्या होता है, जैसे ये अर्थ है तो सैटेलाइट उसे बोला जाएगा जो अर्थ के अराउंड घूमेगा, और ये अराउंड 27 डेज लेता है मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होने में। और मून की जो अर्थ से दूरी है वो 384,400 किलोमीटर है। अब इसके बाद मून का यहाँ पे पार्ट में ज़्यादा बताऊँगा नहीं। मून के पास आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि खुद की लाइट नहीं है, उनके पास खुद की लाइट नहीं है, मून जो है सन की लाइट की वजह से चमकता है। अब जैसे अब आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कट आपको बताऊं बच्चों कि जो ये मून स्टार्स ये सब हमेशा ही रहते हैं स्काई में डे नाइट, बट जो मॉर्निंग टाइम में क्यों नहीं हमें दिखते हैं, क्योंकि जो सन है सन की लाइट के अंदर ये सारे छिप जाते हैं, इस वजह से मून और स्टार्स हमको दिन में नहीं दिखते हैं और रात में दिखते हैं। अब दो टाइप ये है जो वो नेचुरल सैटेलाइट होता है। अब सैटेलाइट भी दो टाइप के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट क्या है जो किसी प्लैनेट के अराउंड घूमता है और नेचुरली उसका एग्जिस्टेंस है, और वहीं जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट उसे बोला जाएगा जो सैटेलाइट मैनमेड है और जिसको रॉकेट के मदद से हम लोग अंतरिक्ष में ले जाकर अर्थ की कक्षा में स्थापित करते हैं, मतलब अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में उसको हम लोग ले जाते हैं। जैसे इंडिया के कई सारे कार्टोसैट है वगैरह वगैरह है, काफ़ी सारे ऐसे सैटेलाइट्स, आर्यभट्टा भी था सैटेलाइट भारत का, फर्स्ट वेरी मून सैटेलाइट ऑफ अर्थ इंडिया का। अब इसके बारे में मैंने आपको ओवरऑल इतना सा बता दिया है, अब ओनली द दो टॉपिक जो रहा है वो है एस्ट्रॉयड और मीटेरॉयड। एस्ट्रॉयड के बारे में इस तरह मैंने आपको प्लैनेट की सूची बताई थी, शायद आप लोगों को याद हो या ना हो, ये आपका मार्स है और ये आपका जुपिटर है, इसके बीच में एक नैरो बेल्ट है और वेरियस छोटे छोटे स्टोन्स के पार्टिकल्स, और इन्हीं को बोला जाता है एस्ट्रॉइड्स। अब यही एस्ट्रॉइड कई बार घूमते घामते मार्ज में इधर उधर स्पेस में घूमते घूमते
अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। जैसे ये अर्थ का आप मान लीजिए एटमॉस्फेयर का बेल्ट है, इसमें जैसे ही ये मिट्योर धीरे धीरे आते हैं तो इन मिट्योर का अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से ये जलने लगते हैं। और क्योंकि इनके बर्निंग होने लगता है तो इनकी बर्निंग की वजह से अपने ऐसा लगता है कि इनके पीछे तेल तेल निकल रहा होता है। और कई सारे मीटेरॉइड्स इतने बड़े होते हैं कि उनकी वजह से आप लोग सोचिए डायनासोर्स खत्म हो गए, वन ऑफ द वेरी डेंजरस एस्पेक्ट। और या बहुत डेंजरस जो इम्पैक्ट हुआ था मीटेरॉइड का वो ये था, कई सारे मीटेरॉइड्स के इफेक्टिव अच्छे सारे इम्पैक्ट भी हुए थे, जैसे इनकी वजह से कई सारी लेक्स भी मतलब आई थी, जैसे पुणे में महाराष्ट्र में एक लेक है जो मीटेरॉइड्स की वजह से बना हुआ था, दैट विल बी कवरिंग इन फर्दर लेक्चर्स। फिर एक और आप लोगों को स्काई में दिखती है आकाशगंगा गैलेक्सी। आकाशगंगा गैलेक्सी के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आकाशगंगा इज लाइक मिलियंस ऑफ स्टार्स उसके अंदर होते हैं और रिवर की तरह होती है। सो एट द एंड मैंने आप लोगों को पहला चैप्टर कवर करा दिया है। पहले चैप्टर मैंने आपको ओवरऑल सारी चीज़ें बता दी, सोलर सिस्टम बताया, अर्थ बताया, मून बताया, एस्ट्रॉइड्स मेट्रॉइड्स, आकाशगंगा के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है तो उसको ज़्यादा नहीं बताया। फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्स्टिलेशन स्टार्स पोलस्टार वगैरह बता दिया था। सो हियर वी एंड अप विद आवर लेक्चर ऑन चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी दैट इज अर्थ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्लोब के बारे में, वहाँ हम लोग बात करेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, फिर वेरियस जोन्स, इक्वेटर की बात होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हम लोग मतलब काफ़ी बात करने वाले हैं। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, किस तरह से इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम निकला है और क्या है, सो विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस स्टफ। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन एंजॉय, रिलैक्स, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू।